भगवान के बच्चों को ब्लेसिंग करती हूँ कि सभी लाइफ में बहुत आगे बढ़े, पर किसी का भी दिल दुखा के मत आगे बढ़े। हर हृदय में हरी है। मेरी सबसे पहली प्रीचिंग यही है कि अपने मम्मा पापा का दिल कभी नहीं दुखाएं। जो भी यंग जनरेशन है उनको मैं यही सुजेस्ट करूंगी कि मम्मा पापा का दिल कभी ना दुखाएं। माँ जननी है जो कि भगवान को भी जन्म देती है। माँ के दिल जैसा कोई दिल नहीं है। माँ शो बेशक करती है कि मैं बच्चे से नाराज हूँ, पर वो कभी नाराज नहीं होती अपने बच्चे से। तो इसलिए मेरी प्रीचिंग यही है कि हमारे राधे माँ पैलेस में वही आए जो अपने मम्मा पापा का इज्जत करता है, रिस्पेक्ट करता है, उनकी सेवा करता है। दूसरा, ये हम कहते हैं हम चैरिटी करते हैं, हम चैरिटी करते हैं। चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले अपने परिवार को खुश रखा जाए। पहले अगर तुम्हारा परिवार ही खुश नहीं तो तुम बाहर क्या चैरिटी करोगे? जब तुम्हारे घर वाले रो रहे हैं तो बाहर वालों को खुश करके क्या करोगे? सबसे पहले अपने परिवार की सेवा करें, उसके बाद समाज की सेवा करें। और जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। जपजी साहब में लिखा है जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। जिनके हृदय में प्रेम नहीं है, जो क्रूर हैं, जिनके दिल में किसी के लिए प्रेम भाव नहीं है, वो कभी भी प्रभु के नजदीक नहीं हो सकते। जो दूसरों का घर उजाड़ते हैं उनके घर कभी नहीं बसते। दैट इज द फैक्ट। दूसरों का घर उजाड़ने वालों के अपने घर कभी नहीं बसते। और सत्य मेव जयते। सच परेशान होता है पर पराजित कभी नहीं होता, ऐसा मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है। और आई एम प्योर एंड वाइज। मैं हूँ राधे माँ। मैं सबको अपने बेटे की नजर से देखती हूँ और मैं कहती हूँ कि सब अच्छे मार्ग पे लगे। मैं चुलबुली हूँ, मैं जो भी हूँ सामने हूँ। आई एम नॉट गुरु, नॉट साधु, नॉट संत, पर जो पूरे संत हैं उनकी मैं फुल रिस्पेक्ट करती हूँ। क्यों ऐसा? सारा मीडिया बुरा नहीं है, सारे संत बुरे नहीं है, सारे हीरो बुरे नहीं है। अगर सारे बुरे होते तो ये पृथ्वी चलना नहीं होती। इसलिए हमें अपनी सोच को बदलना है। सब अच्छे हैं, समझो तो सारा संसार अपना, ना समझो तो अपने भी अपने नहीं है। इसलिए हमने सबको प्यार करना है। हम जब हार्ट टू हार्ट लव करने लग जाएंगे तो सब हमें लव करने। मेरे पे भी बहुत बड़ा संकट आया, पर सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सच है ताके हृदय आप। और अगर मैं बोलूं, देखो कुछ लोग भगवान राम के भक्त हैं, कुछ लोग माता रानी के भक्त हैं, कुछ जैन धर्म है, कुछ हिंदू धर्म है, कुछ मुस्लिम धर्म है, नो प्रॉब्लम, गॉड इज वन। मैं ह्यूमैनिटी को मानती हूँ, इंसानों को प्रेम करती हूँ जिनमें गॉड है। किस गॉड इज वन। रास्ते अलग अलग है लेकिन मंजिल एक है, कौन सा में लाल है। इसलिए हमें क्रूर नहीं बनना कि वो जैन है, वो हिंदू है, वो मुस्लिम है। नो, मैं स्पिरिचुअल हूँ इसलिए मुझे तो सबको प्रेम करना है। दूसरों को भी यही समझाती हूँ, सबको प्रेम करो। बाकी हाँ, जो मेरे नियर डियर है, पहले मुझे बहुत हाइपर कर देते थे,
तो मैं हाइपर हो जाती थी चैनलों पे। अब मैंने बोला मेरे जब मैं इंटरव्यू दूँ तो कोई मेरे पास खड़ा होगी मुझे आंखें नहीं दिखाएगा, मैं अपनी इच्छा से जो बोलना बोल दूंगी। मेरे नियर डियर वाले मतलब कि जो नियर डियर है आंखें दिखा नहीं थी, मैं ये नहीं बोलना वो नहीं बोलना, मैं सच बोलूंगी। मैंने बोला मेरे पे छोड़ो, जो मेरे दिल की आवाज होगी मैं वो बोलूंगी जो मेरे दिल से निकलेगा। मैंने बोला ये सच्चे पाशा मेरे जिस्म और रूह को नेक कर दो, जो तेरा हुक्म हो वो मेरा इरादा कर दो, जो तेरा हुक्म आए उसमें मेरा सजदा हो। एक ओंकार, एक ओंकार, एक ओंकार। तो इसलिए मैं अपने नियर डियर वालों को बिल्कुल बोल दिया कि अगर मुझे किसी ने आंखें दिखाई, क्योंकि मुझे किसी ने बोलने नहीं दिया, मैं चुप रही। नहीं देवी माँ आपको बातें करनी नहीं आती, आपको बातें नहीं करनी आती। मैंने फिर ज्ञान देना शुरू किया। मैंने कहा नहीं, कोई मेरी बात नहीं बोलेगा, मुझे अब अपनी बात बोलनी पड़ेगी। तो जब तक मैं बोलूंगी नहीं कैसे लोगों को पता लगेगा कि मैं मारी गई झूठी, मैं बेगुनी, मेरी मम्मा बचपन से मर गई थी, ये मुझे मां का प्यार भी नहीं मिला। और जब मीडिया का अटैक आया, मेरे पापा टीवी देख रहे थे, टीवी देखते देखते मर गए बोली। एक बेटी के लिए ना मां का होना और पापा का टीवी देखते देखते मर जाना बहुत मुश्किल है। मैं दिल की बात किसी से नहीं कर सकती है। पर मैं उन बोलती हूँ